कोई जोड़ने का यकीन रखते हैं जिनका ही रवादारी और हम आहंगी था पूरी दुनिया का सिर्फी चीज मंगते और दुनिया की चीज लेते हैं और गुरु नानक काम में हरपुर साहब को जो हैसियत हासिल है इसका बुनियादी सबब बाबा गुरु नानक की इस मकाम से खास वाबस्तगी है। मोहब्बत और अम की रिवायत और सिख यात्रियों की अकीदत का एहसास करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने 28 नवंबर 2018 को करतारपुर राहदारी की बुनियाद रखी। इंशाल्लाह जब बाबा गुरु नानक की 550वीं सालगिरह होगी तो आप इंशाल्लाह ये सारे इलाके को ऐसा देखेंगे तो आपको खुशी होगी देख के इंशाल्लाह हर किस्म की फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। करतारपुर राहदारी खोलने का ऐलान महज राहदारी बल्कि हुकूमत पाकिस्तान ने सिख यात्रियों की आमद के लिए एक जामे मंसूबा बनाया। के ऊपर पुल और दरबार साहब करतारपुर की तामीर बाबा गुरु नानक के इस मंसूबे को एक साल में मुकम्मल कर रावी का सैलाबी इलाका और सैलाबी बंदों की तामीर दरियाए रावी का रुख मोड़ना और इमारत की तौसी ऐसे आदमात थे जिनका वसूल नामुमकिन दिखाई दिया लेकिन बेहतरीन तामीराती माहिरीन की जेर निगरानी हजारों मजदूर इस प्रोजेक्ट को एक साल में मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म थे। मानसून की बारिशों और सैलाब के पेश नजर नकलोहमल गुरदासपुर भी बेहतरीन मंसूबा बंदी की अक्कास है। जमीन की साफ टर्मिनल पर सिख यात्रियों के लिए वसीओ अरीज इमिग्रेशन काउंटर एयर शॉप भी मौजूद है। 5,000 यात्रियों सभी त्योहारों पर बड़ी ताफे की गुंजाइश रखी है। बॉर्डर टर्मिनल से 2 किलोमीटर कुशादा सड़क तामीर की गई है। हिफाजती इंतजाम के पेश नजर सड़क के दोनों अतराफ हिफाजती वार्ड और सिक्योरिटी स्थान की तामीर की गई है जहां सैकड़ों यात्री एक ही वक्त में इबादत कर सकेंगे। सिख यात्रियों की रिहाइश के लिए 9,000 सिख यात्रियों के अलावा मजीद 8,000 सिख यात्री एकड़ की जरिए अराजी की बहाली